हेलो एवरीवन, मेरा चार ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट 1 फरवरी और अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ जिसमें ये सब बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रैक पे आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको कितनी कितनी चाहिए, और अगर आप उसे खरीदते हैं तो कितने की पड़ेगी, एंड उसे रेंट करते हैं तो कितने की पड़ेगी, और कहाँ से अच्छा और सस्ता मिल सकता है आपको। मैंने ब्लॉग मतलब ट्रैक वन से पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़ेंगी, कौन सी है जो सच्ची में ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी है जो बस एक डायरी में लिखी हुई आती हैं। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्लॉग, दिखाता हूँ आपको सब कुछ। पैकिंग करते हुए सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है बैग्स। तो बैग्स में आपको एक ट्रैकिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी और एक डे बैग की। डे बैग जो आप दिन में ट्रैक कर रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने पास रखनी होगी, वो आप इस बैग में रख सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेट 20 लीटर्स का होना चाहिए। और अगर ट्रैकिंग बैग जो आपको लेना है वो आप किसी की भी ले सकते हैं, वाइल्ड क्राफ्ट या केचुआ, जिससे आप चाहें, बट मुझे जो बेस्ट लगा वो अमेजोन बेसिस का लगा। इनके पास 55 लीटर से लेके 75 लीटर तक के लिए सारे वेरिएंट्स हैं एंड रेंज काफ़ी कम की है, समथिंग 3000 के अराउंड में आपको पड़ेगा। एंड शूज में आपको कोई स्पेसिफिक शूज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ गमबूट्स लोग पहन के चलते हैं एंड पूरा ट्रैक उसी से कंप्लीट होता है। एंड अगर आप वो मार्केट से लेंगे तो मार्केट से आपको पड़ेगा कुछ 350 का, यहाँ ले मार्केट में आर्मी स्टोर पे, और अगर रेंट करेंगे तो समथिंग 150 के अराउंड। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी इनर्स की जो आपको गर्म रखें, तो दो पैर ऊपर के लिए, दो पैर नीचे के लिए चाहिए, एक एक जो आप पहन के चलेंगे एंड एक अगर आप गीले हो जाते हैं इनकेस तो आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है क्विक ड्राई टॉवल। क्विक ड्राई में आपको एक स्मॉल और एक लार्ज साइज रखना पड़ेगा, स्मॉल डेली यूजेस के लिए और लार्ज अगर आप बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं तो पोंछने के लिए। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली डेकाथलॉन पे पड़ेगा, स्मॉल 100 का और लार्ज 300 का। स्वेटर्स कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह एक्स्ट्रा इनर्स भी रख सकते हैं। फिर आता है फेस कवर। फेस कवर में ये वाला जो फेस कवर है ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड समथिंग 300 का था। ये पूरा फेस एंड हेड कवर कर लेता है, रात के टाइम के लिए बेस्ट है। एंड डे टाइम के लिए आप ये ले सकते हैं जो आपको विंड से बचाएगा, और एक कैप आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सॉक्स। सॉक्स अप्रॉक्सीमेटली आपको कम से कम 5 वुलन एंड 5 कॉटन रखने पड़ेंगे, कॉटन दिन में चलते टाइम एंड वुलन रात को सोते टाइम, ताकि आपको गर्म रखें। वुलन अगर आप यहाँ ले मार्केट से लेते हैं तो आर्मी स्टोर से आपको अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपीज के पड़ेगा पर पेयर, और कॉटन सॉक्स 40-50 का। इसके बाद आते हैं वार्मीज। वार्मीज काफी ज्यादा जरूरी है ऐसे ठंडे ट्रैक के लिए, जिसमें दो टाइप के आते हैं, एक जो अपने स्लीपिंग बैग या कपड़ों में डाल सकते हैं, दूसरे जो हाथ और पैरों के लिए आते हैं। ये मैंने डेकाथलॉन से लिया था तो मुझे ऑफर प्राइस में ये पड़ा था 100 का एक पैकेट, जिसमें दो हाथ के लिए और दो पैरों के लिए है, एंड ये 10 बड़े साइज वाले वार्मीज मुझे पड़े थे समथिंग 350 के अप्रॉक्स के। और अगर आप ये ले मार्केट से लेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, सिंगल पैकेट आपको मिलेगा समथिंग 120 का, जिसके अंदर सिर्फ दो होंगे, छोटे वाले या एक सिंगल बड़ा वाला। इसके बाद आते हैं स्विस नाइफ पे। स्विस नाइफ काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कॉम्पेटेबल है और आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें काटनी पड़ सकती है, कहीं पे रस्सी या कहीं पे अगर आपके कपड़े जम गए तो काटने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है पावर बैंक। ऑब्वियसली आपको फोटोज क्लिक करनी है या म्यूजिक सुनना है तो आपको पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा, एंड कम से कम इतने दिनों के लिए 3 पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, और एक और बात, जो बैटरीज होती हैं वो ऐसे ठंडे टेम्परेचर में बहुत जल्दी डेड हो जाती हैं, सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस बड़े से मोटे से वुलन सॉक्स में बैटरीज को डाल के रखा, जिसकी वजह से वो जैसी थी उसी हालत में रही एंड तक। और हाँ, कुछ मेडिसिन अगर आपको ज़रूरत हो तो जैसे ORS या फिर कोरोसिन या बैंडेजेस आप रख सकते हैं। एंड प्लीज़ DSLR या कोई बड़ा कैमरा कैरी करने का ना सोचें, क्योंकि अगर आप गिरेंगे तो वो टूटेगा भी जल्दी एंड कैरी करने ही भारी होगा, डेट टू उसकी बैटरीज भी आपको ज़्यादा कैरी करनी पड़ेंगी। बट अगर आप GoPro कैरी करते हैं या कोई और एक्शन कैमरा तो काफ़ी ईजी रहेगा, छोटा है, आराम से आप कैरी कर सकते हैं, टूटने या ज़्यादा कुछ खराब होने की दिक्कत भी नहीं आएगी, एंड डेट टू ये आप काफ़ी आराम से चार्ज कर सकते हैं, और इसको आप अपने जैकेट के अंदर और पॉकेट में रख सकते हैं सो दैट ये गर्म रहे और इसकी बैटरी जल्दी ना खत्म हो। फिर आता है ट्रैकिंग पोल। ट्रैकिंग पोल ऑब्वियसली काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको फिसलने से बचाएगा। अगर आप खरीदेंगे मार्केट से तो समथिंग 800-1500 का पड़ेगा, बट अगर रेंट लेते हैं तो समथिंग 200 पे करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी समथिंग 300। सनग्लासेस, कई बार धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, आंखें पूरी चौंधी आ जाती हैं, सो उस टाइम के लिए आपको सनग्लासेस लेना पड़ेगा,
एंड कोई भी अच्छा सनग्लास आप लेंगे तो 700 टू 1500 के बीच का मिल जाएगा। उसके बाद आता है ये पॉन्जू। लिटरली लोग कहते हैं इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए रख लेना चाहिए, बट मुझे इस ट्रैक में कहीं जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर कहीं पे बारिश हुई भी, वो होती नहीं है सिर्फ बर्फबारी होती है, तो उस टाइम पे जैकेट बचा लेता है। इसके बाद आता है सनस्क्रीन लोशन, लिप बाम, हैंड सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर एंड वेट वाइप्स। ये सारी वो चीज़ें जो आपको हर रोज़ ज़रूरत पड़ेंगी वॉशरूम जाने में या अपने आप को टैन होने से बचाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई सिर्फ आप टिश्यू पर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये आपको अपने जैकेट के अंदर मतलब अपने बॉडी के पास रखनी पड़ेगी ताकि ये गर्म रहें, जम ना जाए, क्योंकि मैंने इन्हें अपने बैग में रखा था तो ये पूरी जम गई थी एंड ये निकल नहीं पाई थी, मतलब किसी काम की नहीं बची थी, आग में गर्म करना पड़ा तब जाके ये काम की हुई। उसके बाद जैकेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैकेट में या तो आप डाउन जैकेट ले सकते हैं, बट डाउन जैकेट ज्यादा प्रेफर मैं करूंगा। डेकाथलॉन की ये एक 3-in-1 जैकेट है, इसमें ये बेनिफिट है कि अंदर ये गर्म रखती है और बाहर का जो सेकेंड जैकेट है वो आपको विंड से और बारिश और बर्फबारी से बचाती है। समथिंग 6000 के आसपास की है, बट अगर आप चाहें तो ऐसी या डाउन जैकेट्स यहाँ मार्केट से रेंट कर सकते हैं, आपको मैक्स टू मैक्स ही पड़ेंगे कुछ 500 की पूरे ट्रैक के लिए। फिर आते हैं आपके पास ग्लव्स। ग्लव्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपके पास 3 पेयर होने चाहिए, जिसमें से एक वाटर प्रूफ और 2 वूलन या गर्म रखने वाले होने चाहिए जो आप रात को पहन सकें, एंड जो ये हैं वाटर प्रूफ इनको आप डे टाइम में पहन सकते हैं ताकि आप कहीं गिरे तो आपके हाथ में ना चोट लगे और ना ही ठंडे पड़े। ये जो है मैंने आर्मी स्टोर से लिए थे, ये समथिंग 300 के आसपास के हैं, और अगर आप ये डेकाथलॉन से इस टाइप की लेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, समथिंग 2500 to 3000 की। और जो वो लेन या इस टाइप में होते हैं ग्लव्स, ये मैक्स टू मैक्स आपको डेकाथलॉन में पड़ेंगी 300 to 500 की, और यह मार्केट में 250 लेके 500 के बीच की। इसके बाद आता है ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स आपको ऑब्वियसली वाटरप्रूफ चाहिए ताकि बॉडी के लिए ना पड़े, आप बीमार ना हो। तो अगर आप डेकाथलॉन से लेंगे तो आप कोई भी ले सकते हैं, समथिंग 1500 to 3000 के बीच में जो भी आती है सब वाटरप्रूफ है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, बट ये सिर्फ आपको गिरने पे बचा सकती हैं या बर्फबारी या बारिश के टाइम पे। बट अगर आप चादर टूट गई और आपको अंदर जाना पड़ा तो ये आपको बिल्कुल नहीं बचा सकती, उसके लिए काफी कॉस्टली आती है, समथिंग डेकाथलॉन में पड़ती है 4500 की, वो काम आएगी। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है वो लेने का, आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं। और अगर आप ये मार्केट से रेंट करेंगे या खरीदेंगे तो खरीदने पे समथिंग 700 to 1000 का है और रेंट करने पे 250 के आसपास का। सो मैंने आपको रेट सारे बता दिए हर चीज़ के और कौन कौन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें और बाकी मैं इनकी एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विथ रेट्स एंड कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें मस्ट हैं, इनकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। बाकी कपड़े और आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए वो आप अपने हिसाब से ला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए इस ट्रैक पे।